आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के 7,695 नए केस सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 1,139 मामले, लखनऊ में 1,115 नए मामले सामने आए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार, कोरोना के 7,695 नए मामले सामने आए हैं। जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना ने 1,139 नए मरीज, लखनऊ में 1,115 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कोरोना के 7,695 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 1,115 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कुल 7,695 नए मामले सामने आए हैं। जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना ने 1,139 और लखनऊ में 1,115 नए मामले सामने आए हैं, जहां 4 लोगों की मौत भी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 1,149 नए मामले आए हैं, कोरोना के 7,695 नए मामले, जहां 4 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 1,115 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के रफ्तार बढ़ी है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज पूरा 7,695 नए मामले आए हैं। वहीं 4 मौतों की होने की वो बताई गई है, और वहीं प्रदेश के 2 जिलों में अनियंत्रित हालात अनियंत्रित हो रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में आज सबसे ज्यादा मामले आए हैं, 1,149। वहीं लखनऊ में आज 1,115 मामले आए हैं। मेरठ की बात करें तो 715 मामले आए हैं। वहीं वाराणसी की बात की जाए तो 437 मामले आए हैं। साफ तौर पे कह सकते हैं कि लखनऊ में लगभग 7 महीनों के बाद 1,000 का आंकड़ा छुआ है आज लखनऊ के अंदर में। जी विभांशु, जिस तरीके से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो वो 4 लोगों की मौत किसी एक ही शहर से है या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आंकड़ा? जी, ये उत्तर प्रदेश से आज 4 मौतों की मामला सामने आया है। वहीं इन सब चीजों को लेकर अब खास तौर पे जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जो लखनऊ के अंदर में नो मास्क और नो सामान का अभियान चलाया जा रहा है, उससे खास तौर पे लोग इनसे इसको मान नहीं रहे हैं। और जब तक इसको मानेंगे नहीं, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन इन सब चीजों को नहीं पालन करेंगे, तब तक ऐसे ही मामले आते रहेंगे, और स्वास्थ्य विभाग को इसको कंट्रोल करना चाहिए। विभांशु, जिस तरीके से जिन शहरों में सबसे ज्यादा मरीज देखने के लिए मिले हैं, तो क्या वहां पे और कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं? क्या वहां पर नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू की भी बात चल रही है या हुआ है? जी, आपको बता दें कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्देश दिया गया था, जिस इलाके में जिस जिले में ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे, तो डीएम और वहां के सीएमओ के मतलब हस्तक्षेप के साथ वहां पे नियम लागू किए जाएंगे। तो अब तक ऐसा कुछ सामने देखने को नहीं मिल रहा है, मगर आगे देखना हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर में नहर में मिला है महिला का शव। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक अनियंत्रित होने से नहर में गिरे थे दंपत्ति, जहां नहर में डूबने से पत्नी की हुई है मौत। गोताखोरों की खोजबीन के बाद मिला है महिला का शव। शारदा सहायक नहर कमोलिया के पास का है ये पूरा मामला। सुल्तानपुर में नहर में मिला है महिला का शव। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक अनियंत्रित होने के नहर में गिरी थी बाइक, जहां पर नहर में डूबने से पत्नी की हुई है मौत। गोताखोरों की खोजबीन के बाद मिला है महिला का शव। शारदा सहायक नहर कमोलिया के पास का है ये पूरा मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाइक अनियंत्रित होने से नहर में गिरी थी बाइक, जहां नहर में डूबने से पत्नी की हुई है मौत। जहां गोताखोरों की खोजबीन के बाद मिला है महिला का शव।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।